नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टेक्निकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश। आज आप लोग को बताऊंगा कि वीवो की कोई भी हैंडसेट में दोस्तों अगर पिन लॉक और पैटर्न लॉक लग गया तो आप उसे घर में ही आप रिमूव कर सकते हो दोस्तों, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका मिरेकल के सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कर लेनी है क्रैक वर्जन को, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर, जो ड्राइवर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ड्राइवर होना ही चाहिए, मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना मोबाइल आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास वीवो Y5S मॉडल नंबर, जो इसमें पैटर्न लग गया दोस्तों, मैं इसे आज रिमूव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने अपने मोबाइल को कनेक्ट करके यहाँ पर PC के साथ रख दिया हूँ। तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जानी है, और डिवाइस मैनेजर से आप चेक कर सकते हो कि जो ड्राइवर जो मैंने इंस्टॉल किया है तो उसे यहाँ पर अच्छी तरह से इंस्टॉल हुई या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे मोबाइल और PC के साथ कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर जो ड्राइवर मैंने इंस्टॉल किया CDC ड्राइवर, वो यहाँ पर शो कर रहा। तो यहाँ पर बिलिंग भी किया दोस्तों, यानी कि मेरा मोबाइल PC के साथ परफेक्ट ढंग से कनेक्ट हो गया। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने ये अच्छी तरह से कर दिया डिवाइस को कनेक्ट। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पर अब मिरेकल के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर आपका मॉडल लिखा हो दोस्तों, तो मॉडल आपको सेलेक्ट करें, तो मैंने वीवो का ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर जिसने मैंने यहाँ तक ड्राइवर इंस्टॉल किया था, यहाँ पर मैंने पोर्ट करके या मैनुअली सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ प्रोग्रामर पर आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी मिरेकल ने इस वीवो की अभी अपडेट नहीं दिया, तो मैनुअली इसे नेट से डाउनलोड करके इसे रखा हूँ, जो आपको दिखाता दोस्तों डेस्कटॉप में ही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वीवो Y5S, जो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम EMMC फाइल जो मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ, तो यहाँ से मैनुअली सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर ओके कर दिया, यहाँ पर सेलेक्ट हो गया दोस्तों मैनुअली। तो यहाँ पर ऑटो की टिक भी करके रखनी है दोस्तों, या प्रोग्रामर जो अनटिक कर देनी है, और फैक्ट्री रीसेट में आपको क्लिक करके ओके कर देनी है स्टार्ट बटन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोसेस होना चालू हो गया है, और यहाँ पर कुछ ही देर में ये मोबाइल जो कि अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये फॉर्मेट होने लगा है दोस्तों, और यहाँ पर सक्सेसफुल 100% कंप्लीट हो गया, और नीचे डन की ऑप्शन आपको शो हो गया। तो यानी कि ये फैक्ट्री रिसेट आपका हो गया दोस्तों, और आपका मोबाइल अनलॉक हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ से अब कुछ करनी नहीं है, यहाँ से सिंपली इसे कट कर देनी है, यस कर देनी है। कट करने के बाद यहाँ पर अब मोबाइल को आप निकाल सकते हो डाटा केबल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेरी मोबाइल अनलॉक हो चुकी है, और यहाँ पर अब स्टार्ट करने बाकी है दोस्तों होम पेज पर आने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, टेक केयर।